हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पीएस टेट, सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट्स के टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स, ताकि आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकें। यह सभी नोट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम टीचर्स की वैकेंसी से जुड़ी और सीटेट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, नई दिल्ली से खबर लगी है। सीटेट में अंकों की बाध्यता खत्म। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के इच्छुक लोगों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब स्नातक में 45% अंक नहीं होने के बावजूद भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिका पर जय आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही किसी के पास स्नातक में 45% अंक नहीं है, लेकिन यदि उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वह सीटेट में शामिल होने के लिए योग्य है। इस फैसले से देश के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। कोर्ट ने यह फैसला रुचिका गुप्ता की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। रुचिका के पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% अंक होने के बावजूद परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया गया था, लेकिन एक शर्त भी है, स्नातक में 45% अंक नहीं होने के बावजूद आप सीटेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है सीटेट में शामिल होने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को योग्यता के रूप में शामिल नहीं करना ना सिर्फ अतार्किक है बल्कि मौलिक अधिकारों का हनन भी है। तो जहां पर उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है,